आपके घर पे लाइट भी आ रही है, आपने अपने एसी को भी ऑन करके रखा है, फिर भी आपके कमरे में कूलिंग नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों? ऐसा होने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, और वो है कि आपके एसी का कंप्रेसर ट्रिप हो जा रहा है। बट एसी के कंप्रेसर के ट्रिप होने के पीछे कुल 5 कारण हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर आपके घर पे लगा हुआ एयर कंडीशन बार बार उसके कंप्रेसर ट्रिप क्यों हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मेरा नाम है, खैर नाम में क्या रखा है, शुरू कर लेते हैं। एयर कंडीशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, इसीलिए मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ। बट इसमें एक बहुत ही कॉमन और जल्दी जल्दी आने वाली प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम ये भी है, और वो है एयर कंडीशन के कंप्रेसर का ट्रिप हो जाना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से ऐसे कारण हैं जिसके वजह से आपके एसी का कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है और आपको कूलिंग नहीं मिल पाती है। सबसे पहला रीजन है, वो है आपके आउटडोर यूनिट का चोक हो जाना। जी हाँ दोस्तों, आउटडोर यूनिट पे आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक फ़ैन लगा होता है, और वो फ़ैन जब भी आप एसी ऑन करते हैं तो वो फ़ैन लगातार चलता रहता है। आखिर वो फ़ैन बाहर की तरफ क्यों लगा होता है? क्योंकि वो क्या करता है कि आपके एयर कंडीशन की हीट को बाहर की तरफ फेंकता रहता है, जिससे आपका एयर कंडीशन जो है वो थोड़ा ठंडा रहे और वो ट्रिप ना कर पाए। बट फ्रेंड, कई बार ऐसा होता है कि जब हम आउटडोर यूनिट पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और बहुत दिनों तक बाहर आउटडोर यूनिट लगे होने की वजह से वहाँ पे धूल, जाले और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वहाँ पर जम जाती हैं, जिसके वजह से जो वो जाली होती है पंखे के बाहर, जो जाली लगी होती है और जो पीछे के साइड से जाली लगी होती है, वो चोक हो जाती है। और चोक हो जाने के वजह से वो आपका जो फ़ैन है वो हीट को उतनी अच्छी तरीके से एलिब्रेट नहीं कर पाता है, निकाल नहीं पाता है, जिसके वजह से आपका कंप्रेसर ओवरहीट हो जाता है, और ओवरहीट होने की वजह से वहाँ पर कंप्रेसर ट्रिप कर जाता है। और यही रीज़न है कि आपको आपके घर में कूलिंग नहीं मिल पाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि टाइम टू टाइम आप अपने आउटडोर यूनिट की भी क्लीनिंग करते रहिए, जिस तरीके से आप अपने इंडोर यूनिट के फिल्टर को चेंज करते हो, साथ ही साथ बाकी सारी चीज़ें क्लीन करते रहते हो। अब जो दूसरा रीजन है वो है फ्रेंड, जो आपके आउटडोर यूनिट पे जो फ़ैन लगा होता है, उस फ़ैन में एक कैपेसिटर लगा होता है, जिसको हम लोकल भाषा में कंडेंसर भी बोलते हैं। जिस तरीके से आपके घर में सीलिंग फैंस में एक वाइट कलर का कैपेसिटर या कंडेंसर लगा होता है, सेम उसी तरीके से एयर कंडीशन के आउटडोर यूनिट में जो फ़ैन लगा होता है उसमें भी एक कंडेंसर या कैपेसिटर लगा होता है। वो कैपेसिटर समय के एक कुछ दिन के बाद से जब खराब हो जाता है, जब भी खराब होता है, जिस तरीके से आपके सीलिंग फैन का कैपेसिटर या कंडेंसर खराब होता है, उसी तरीके से वो भी खराब हो सकता है। खराब होने के बाद से क्या होता है कि आपका जो फैन है, कंप्रेसर के पास जो फ़ैन लगा हुआ है, वो फ़ैन जो है बहुत धीरे घूम मूव करने लगता है, और धीरे मूव करने की वजह से वो हीट को उतनी अच्छी तरीके से बाहर नहीं निकाल पाता, जिसके वजह से अगेन आपका जो कंप्रेसर है वो ओवरहीट होता है, और ओवरहीट होने की वजह से वो ट्रिप कर जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप कर सकते हैं किसी भी टेक्नीशियन को बुलाकर उस कंडेंसर या कैपेसिटर को चेंज करवा सकते हैं। और आपको कैसे पता चलेगा कि कंडेंसर ही ख़राब है? तो उसके लिए मैंने बताया कि फ़ैन जो है वो बहुत धीरे धीरे मूव करने लगेगा, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाता है कि इसका कैपेसिटर ही ख़राब होगा। तीसरा रीज़न है, वो आप सभी लोगों को पता भी है, और वो है लो वोल्टेज की समस्या। दोस्तों, एयर कंडीशन का इस्तेमाल हम गर्मियों में करते हैं, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा ओवरलोड होता है हर एक ट्रांसफार्मर के ऊपर, जिसके वजह से वोल्टेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। लो वोल्टेज की वजह से आपके एसी को पर्याप्त मात्रा में एनर्जी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से बार बार कंप्रेसर ट्रिप होता रहता है। अब इसका समाधान क्या है? समाधान सिर्फ और सिर्फ एक है, स्टेबलाइजर लगाइए। और स्टेबलाइजर के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, आप देख सकते हो कि आपके एसी के लिए परफेक्ट स्टेबलाइजर कौन सा होगा, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा। अब जो चौथा रीजन है वो ये है कि बड़ी जगह पे कम कैपेसिटी का एसी लगा देना। देखिए दोस्तों, कई बार हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको प्रॉपर एसी उनके लिए उनके जगह के हिसाब से क्या सूट करता है वो ये नहीं सेलेक्ट कर पाते हैं, और वो एक बहुत बड़े हॉल के लिए जाकर मार्केट से एक या डेढ़ टन का एसी लेते आते हैं। अब फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि अगर जगह बहुत बड़ी है और आपका एसी कम पावर का है, तो उसको लगातार काम करना पड़ता है आपकी जगह को ठंडा करने के लिए। इस वजह से कंप्रेसर पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, और बहुत देर तक जब कंप्रेसर काम करता रहता है तो उस केस में कंप्रेसर ओवरहीट का शिकार हो जाता है, और उस समय आपका कंप्रेसर ट्रिप कर जाता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप अपने लिए एसी का सिलेक्शन करें, किसी अच्छे जानकार दुकान से खरीदें जो आपको सही एरिया के लिए सही एसी का सजेशन करे। और साथ ही साथ अगर आप जानना चाहते हो कि कितनी बड़े एरिया में कौन से टन का एसी लगाना चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, मेरे चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी।
की। बात करते हैं आज के सबसे लास्ट रीजन की, जो कि है पांचवा। पांचवे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एयर कंडीशन का जो आउटडोर यूनिट होता है वो हम में से ज्यादातर लोग छतों पर ही रखते हैं। छतों पर रखने की वजह से फ्रेंड होता ये है कि डायरेक्टली उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, जिसकी वजह से एसी का जो आउटडोर यूनिट होता है वो ऑलरेडी, मैं आपको बताता हूँ, उसका जो डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर की बात की जाए, जब एसी अपने फुल लोड पर चल रहा होता है तो अराउंड 75 से 80 डिग्री सेल्सियस तक वो गर्म हो चुका होता है। उसके ऊपर से डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, तो जब पीक समर्स चल रहे होते हैं उस समय में गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, सन का जो वो इंटेंसिटी होती है बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से आपका जो आउटडोर यूनिट है और ज़्यादा गर्म हो जाता है, और इसके वजह से ओवर हीटिंग प्रॉब्लम की वजह से आपके एसी का कंप्रेसर बार बार ट्रिप होने लगता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अगर आपको जब भी आप आउटडोर यूनिट को सेट कराएं तो हमेशा किसी ऐसे जगह सेट कराएं जहां पर कुछ ना कुछ मात्रा में छाए की व्यवस्था हो। अदरवाइज अगर नहीं है तो आप उसके ऊपर कुछ एक शेड लगा सकते हो, वो शेड किसी चीज़ का भी हो सकता है, बट ध्यान रखिए कि गर्मी की वजह से डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर ना पड़े, अदरवाइज आपको ये बार बार एसी के कंप्रेसर के ट्रिप होने की समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो आई थिंक दोस्तों कि एसी के कंप्रेसर के ट्रिप होने के पीछे जो पांच रीजन है, यही पांच रीजन है। इसके अलावा कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो सकते हैं जो मैं यहाँ कवर नहीं करूँगा, क्योंकि उसके लिए आप कुछ नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको टेक्नीशियन को ही बुलाना पड़ेगा। बट जो काम आप ध्यान दे सकते हो उस चीज़ों को मैंने इसमें कंक्लूड कर दिया है। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।